ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਬਰਨ ਆਪਤ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 1100-1200 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਫਰਾਮੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੋਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं पीपी 115 में। नून लीग का जो दफ्तर है उसके इफ्तिताह पर यहां पे मेरे साथ इंतज़ामिया भी मौजूद है। इस बार दो इंतखाबात 2024 जो होने जा रहे हैं उसमें आज तकरीबन 12 रोज़ बाकी है और आज नून लीग ने जो पीपी 115 में जो है हल्के में इंतखाब जीतने के लिए जो है अपनी जो पड़ाव है वो पार कर लिया और आज इंशाल्लाह यहाँ पर जो इफ्तिताह है वो करने के लिए जो ताहिर जमील साहब हैं वो यहाँ पर खुद आ रहे हैं। आज हल्के के दरमियान में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हल्के के जो इंतज़ामिया है ये दफ्तर की जो इंतजामिया है उनसे बात करते हैं और जानते हैं आम इंतखाबात 2024 के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से दफ्तर के इफ्तिताह के हवाले से क्या कहेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इलाके की बेहतरी के लिए जो हमें बेहतर नजर आ रहा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। हम उनके साथ हैं। हम उनकी जमात को, उनके जो कैंडिडेट हैं मियां ताहिर जमील साहब, चौधरी आबद शेरली साहब, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह जो अवाम है वो सारी पुरजोश है और इंशाल्लाह जो है वो शेर की जीत हो गई और जो मुल्क के मसाइल हैं जो इमरान खान की वजह से प्रॉब्लम आए हैं वो इंशाल्लाह सभी के सभी हल होंगे। हमें पूरी यकीन है, पूरा एतमाद है। नवाज शरीफ की क़यादत में आपके हल्के के जो उम्मीदवार हैं क्या लगता है इस बार वो यहाँ से कितनी कामयाबी से जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जी बहुत अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। वो दिन रात हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उनके लिए और जो पूरी फ़जा है वो इंशाल्लाह हमारे साथ है। यहाँ के मुकामी लोग जो हैं जो पिछले 4 साल दौर में इंतहाई कसम पसरी की वजह से जो शिकार थे, बहुत सारे मामलात, महंगाई के मामलात, इस वजह से लोग भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें और बहुत अच्छी क्यादत हमें मिली है। चौधरी आबद शेर अली और ताहिर जमील की बहुत अच्छी कंपेन जा रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फतह शेर की होगी। हल्के के मसाइल क्या हैं और क्या लगता है इस बार जो नवाज हुकूमत है इस हल्के के मसाइल हल कर सकती है? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। पिछले 3-4 साल से कम ही कोई नहीं किया उन्होंने, सारे मसाइल आए थे, मसाइल तो मसाइल। अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद आ कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की क्यादत सारे मसाइल साढ़े खत्म हो जाएंगे। आबद शेर अली बहुत अच्छे वर्कर आ, बहुत अच्छे MLA बनते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल जी, हल्के की आवाम जो है पुरतमाद है और वो चाहती है कि इस बार नवाज शरीफ की जो हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह वो इस हल्के के हवाले से जो कामयाबी भी हासिल करेंगे। हल्के के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, मजीद हमारे साथ इंतजामिया है, कारकुनान मौजूद हैं हल्के के दरमियान में, यहाँ पे खड़े आवाम हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए हल्के के मसाइल क्या हैं और क्या लगता है इस बार आबद शेर अली साहब, आपके जो MPA हैं ताहिर जमील साहब, आपके हल्के के मसाइल हल कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। सीट भी इनकी है, कुर्सी भी इनकी है और कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। सारे ये जो सारी आवाम खड़ी है ये सारे उनके मुजाहिद हैं, सिपाही हैं और हल्के के काम पहले भी नून लीग ही करती आ रही है, आइंदा भी इंशाल्लाह यही करेंगे। बिल्कुल जी, हल्के के मसाइल जो हैं आवाम पुरतमाद है कि हल्के के मसाइल जो हल करने के लिए जो नवाज शरीफ की क्यादत में ताहिर जमील साहब जो हैं इस हल्के के लिए बिल्कुल एक दुरुस्त कैंडिडेट हैं और अब देखना ये है कि इस हल्के की आवाम 8 फरवरी को शेर के निशान पर ठप्पा लगाती है या फिर किसी और उम्मीदवार के साथ जो वफादारियाँ निभाती है।